कथित तौर पर सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा के द्वारा अपमानित किए जाने एवं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इसके विरोध में आमरण अनशन पर बैठी जनपद सदस्य मिथिला गर्ग सहित अन्य महिलाओं की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है। इन जनप्रतिनिधियों की तबीयत बिगड़ने के बाद प्रशासनिक अमला, भाजपा और कांग्रेस के नेता भी यहां पहुंचे। बता दें कि जनपद सदस्य मिथिला गर्ग पिछले 3 दिनों से अपनी कई मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठी हैं। उनके द्वारा भू अधिकार पट्टा और पानी की समस्याओं से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कोठी थाना तहसील एवं जिला कलेक्टर को पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया था। साथ ही जनपद सदस्य ने यह आरोप भी लगाया है कि कलेक्टर ने उनके साथ अभद्रता कर उन्हें कार्यालय से भगा दिया, जिसके बाद जनपद सदस्य मिथिला गर्ग आमरण अनशन पर बैठ गई। मौके पर पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा ने सतना सांसद गणेश सिंह का पत्र दिखाते हुए कहा कि आपकी मांगों को लेकर कार्यवाही के लिए प्रशासन को पत्र भेजा गया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पूरी हूँ और कलेक्टर साहब ने मेरा अपमान किए हैं, वो यहाँ आए और बोले कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। कैसा अपमान किए हैं? चलो हटो, भगो यहाँ से, ऐसी इस तरह लैंग्वेज में बात की है मेरे से। सुना है लेटर भी फाड़ा गया है? लेटर वेटर नहीं मालूम, मेरे को पावती नहीं दी गई है और अपमान किया गया। इनकी मांगे हैं विशेषकर जमीन को पट्टे को लेकर के हैं, विशेषकर फॉरेस्ट भूमि के पट्टे को लेकर के हैं, उसी को लेकर के अनशन पर बैठी थी और हमने इस पर 25-26 मई को जो है यहाँ शिविर लगाने का आश्वासन दिया है और हमारी पूरी टीम जो है आएगी, अन्य विभाग के भी लोग रहेंगे, अन्य जैसे PHE है, पानी की समस्या है और भी जो जनपद की समस्या है, वन विभाग की समस्या है, तो फॉरेस्ट के भी लोग रहेंगे और शिविर लगाएंगे, आवेदन लेंगे, ढंग से उसकी जांच करेंगे और वैधानिक रूप से जो सही है उसका निराकरण। सर 3 दिन से ये आप कैसे कह सकते हैं, हमारे तहसीलदार साहब आए थे। वहीं SDM सुरेश गुप्ता के लिखित आश्वासन के बाद जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष यशवंत पांडे ने जूस पिलाकर जनपद सदस्य मिथिला गर्ग का अनशन खत्म कराया। वहीं विधायक कल्पना वर्मा, अनशन पर बैठे जनपद सदस्य मिथिला गर्ग के साथ 2 अन्य महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उनको एम्बुलेंस में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और उनके साथ कुछ महिलाएं अनशन पर बैठी हुई थी क्षेत्र के विकास के को लेकर, क्योंकि अभी 2022 और 23 का जो इन लोग का परफॉर्मेंस की राशि आई हुई थी उसको बिना बैठक किए और बजट जारी हो जाता है, उसके बाद 23 और 24 का बजट आया उसमें भी CO साहब ने बैठक नहीं बुलाई और जनपद सदस्यों का जो परफॉर्मेंस की राशि है उस अनुशंसा की जाती है और उसके बाद इन लोग को जब पता चलता है तो इन लोग पूछते हैं तो उसके बाद इन लोग को कोई जवाब नहीं मिलता। आज कर रहे हैं बैठक, कल कर रहे हैं, इस तरीके से इन लोग को भ्रमित किया जाता है। हमारी जनपद सदस्य कोई भी प्रतिनिधि छोटा हो या बड़ा हो यदि मिलने जाते हैं कलेक्टर से, SDM से या SP से, किसी से भी, तो वो इन लोगों से मिलते नहीं हैं। कम से कम किसी कोई प्रतिनिधि छोटा हो या बड़ा हो, जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज भाजपा की सरकार में किसी भी प्रतिनिधि का कोई सम्मान नहीं है। अभी आपने खटोला में देखा होगा कि मैंने मात्र जनपद सदस्यों की बात रखी, उपाध्यक्ष इस तरीके से भड़क गए और उन्होंने मुझे बात अपनी नहीं करने दी, मैं अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई और वो तेज आवाज में चिल्लाने लगे। इस तरीके से भाजपा की सरकार में प्रतिनिधियों को दबाया जाता है, प्रतिनिधियों की आवाज़ को दबाया जाता है, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि हम महिलाएं हैं, हमारी महिला जनपद की सदस्य भी महिला है, महिलाएं एक बच्चे को जन्म देती हैं। जिस जो प्रतिनिधि आज खड़े होकर इस तरह से बात कर रहा है, किसी न किसी महिला की कोख से ही उसने भी जन्म लिया है, तो एक महिला जननी है, वो जन्म देती है तो सोचिए कि क्या नहीं कर सकती है, सब कुछ एक महिला ही करती है। डॉक्टरों ने उनकी तबीयत को देखकर उन्हें तत्काल उपचारित किया। वहीं विधायक कल्पना वर्मा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर शिवेंद्र सेन ने भी उनकी हालत पर बयान दिया है। उनकी तबीयत लगभग अभी सभी की ठीक है, नॉर्मल है, BP भी नॉर्मल है, पल्स भी नॉर्मल, टेम्परेचर भी नॉर्मल, SpO2 नॉर्मल, लगभग स्थिति अभी ठीक है। जी BP किसी का नहीं बढ़ा, BP सबका भी नॉर्मल है। अभी बॉटल ड्रिप वगैरह चल रही है और जो नेसेसरी दवाइयां हैं वो चल रही हैं। कुल मिलाकर मिथिला गर्ग का ये आमरण अनशन पूरे सतना में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसमें सियासत के साथ साथ सिस्टम से जुड़े लोग भी आरोप और प्रत्यारोप में उलझ गए हैं।
देखिए ये जो आंदोलन हुआ, जनपद सदस्य संघ पूरे मध्य प्रदेश में अपने जनपद सदस्यों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। ये जो सरकार है ये पहला मामला नहीं, हम जनपद सदस्यों के साथ जो अन्याय हुआ है। इसके पूर्व जब हमने 23 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल में भोपाल में बैठे हुए थे तो यही सरकार हम सभी जनपद सदस्यों को गिरफ्तार करके 30 से 40 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया था और हमारे साथ बैठी महिलाएं बिचारी भटकती रहीं, भागती रहीं, उनको वापस उनके घर तक नहीं पहुंचाया गया था। तो ये जो पीड़ा है जनपद सदस्यों के अपमान की, ये लगातार क्षेत्र में चल रही है। आप लोग के माध्यम से मैं सरकार को, पक्ष और विपक्ष दोनों को ये अवगत कराना चाहूँगा, ये पंचायती राज व्यवस्था के साथ कब तक ये खिलवाड़ चलेगा। अगर ये जनपद सदस्य हों या पंच हों, सरपंच हों, उप सरपंच हों या जिला पंचायत सदस्य हों, अगर इन्होंने आश्वासन में आश्वासन जो मिल रहा है, अगर इन्होंने दिल में ठान ली और दृढ़ इच्छा शक्ति रख ली तो सरकार को बदलने में और गिराने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।